हाय देयर, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको तमाम इम्पोर्टेंट डिटेल बताई जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो स्टूडेंट्स को मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशन हो जिसको एचईसी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट कंसिडर करता हो, और एटलीस्ट जो है वो 45% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। और नोट करने वाली बात ये कि जिन्होंने ए लेवल्स किया है इंटरमीडिएट की जगह, उनको प्रोवाइड करना होगा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से। और जिनके 45 से मार्क्स कम हैं वो भी एडमिशन ले सकेंगे, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है जीरो सेमेस्टर वो कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फिर वो एडमिशन ले सकेंगे एक तरह से इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये एक फुल टाइम 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि अगर स्टूडेंट्स इसको फुल टाइम स्टडी करते हैं तो 4 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम स्टडी करेंगे तो उनको 4 ईयर्स से भी ज़्यादा लग सकते हैं। और सेमेस्टर सिस्टम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, और हर सेमेस्टर की तकरीबन 18 वीक्स ड्यूरेशन होती है। और इसकी जो असेसमेंट होगी यानी कि किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा, सो कंटिन्यूस असेसमेंट होगी जिसके अंदर ऑनलाइन क्विजेज दिए जाएंगे, और इसके अलावा ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होगा जीडीबी जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स दी जाती हैं उनको सॉल्व करना होगा। इसके अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स होंगे वीयू के डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर्स में, और ये एग्जाम सेंटर्स वीयू की कैंपसेस भी होती हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा प्रोजेक्ट और या इंटर्नशिप ये भी इस प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड है। फाइनल सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स ने या तो प्रोजेक्ट करना है या इंटर्नशिप, दोनों में से कोई एक लाजमी करना होगा। नॉर्मली ये होता है कि प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और इंटर्नशिप उनके लिए होती है जो जॉब करने वाले नहीं होते हैं। और जो इंटर्नशिप लिंक करेंगे उनको रिक्वायर्ड होता है कि वो कंप्लीट करें 6 to 8 वीक जो है इंटर्नशिप के किसी किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रजिस्टर्ड हो। और डिग्री जो मिलेगी उसके लिए स्टूडेंट्स को जो है वो कंप्लीट करना होंगे जो भी रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं, जितने भी रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं, और क्रेडिट आवर्स अर्न करते रहेंगे स्टूडेंट्स जैसे जैसे वो अपने पेपर्स को अपने कोर्सेज को क्लियर करते रहेंगे पास करते रहेंगे, तो वो क्रेडिट आवर्स अर्न करते रहेंगे। और मिनिमम सीजीपीए जो है वो 2 होना चाहिए आउट ऑफ 4, यानी जब डिग्री कंप्लीट हो तो जो सीजीपीए बने वो 4 में से 2 बनना चाहिए तो ही डिग्री जो है वो मिलेगी। और अगर इसकी फीस की बात करें, फीस की डिटेल के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल फीस बताई जा रही है। जो टोटल फीस है सिक्योरिटी अमाउंट को मिला के जो कि वापस मिल जाएगा, सो वो है 1,36,300, और अगर इसको हम हटा दें सिक्योरिटी अमाउंट को, सो ये है 1,34,300। सो 4 ईयर्स के अंदर अगर ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो 1,34,300 आपने पे करना होंगे फीस जो टोटल इसकी होगी 4 ईयर्स के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।